समस्तीपुर जिले के कन्नौजर की यह तस्वीर दिखा पा रहे हैं। सामने नदी देखेंगे, बागमती नदी से कनेक्ट करता हुआ यह जो धारा है, और इधर पश्चिम की तरफ दिखाएंगे कि मुजफ्फरपुर जिले से यह पानी बह करके विभिन्न स्रोतों से बह करके यहाँ पर आता है, जिसको रोक दिया गया था, जिसके कारण से यहाँ विवाद की स्थिति हो गई थी कन्नौजर में। समस्तीपुर जिला क्षेत्र के लोगों का कहना था कि इस पानी से उन लोगों को नुकसान हो रहा था, यातायात बाधित हो रहा था, जिसके कारण से वे लोग पानी नहीं बहने देना चाहते थे। आपको बता दें, यहाँ पर पुल निर्माण का कर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी। समस्तीपुर के लोग इसलिए पानी नहीं बहने देना चाह रहे थे, जबकि मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र से तमाम लोग आए हुए हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और इलाके के लोगों का बताना है कि मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र में जल जमाव है। बागमती नदी का पानी जब मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र में गया, जल निकासी नहीं हो रहा है, जिसके कारण से उन लोगों की परेशानी है। दोनों तरफ के लोग आए और दोनों लोगों के पहल पर, समस्तीपुर जिला क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र के लोगों के पहल पर, अधिकारियों के जो दिशा निर्देश के आलोक में यहाँ पर यातायात व्यवस्था बहाल कराई जा रही है, जल निकासी का जो स्रोत कायम किया जा रहा है। आखिर कैसे यह व्यवस्था हुआ, हत्था पंचायत क्षेत्र के पूर्व मुखिया हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसी स्थिति बनी थी और किस विकल्प के तहत जो है यहाँ मध्यस्थता किया गया। यहाँ ये जो है बागमती की उपधारा है, जिसे होकर माने की लगभग 200 राजस्व गाँव का पानी निकलता है, जैसे हत्था हो गया, मुन्नी, लोहरखा, सकरी, टोक, बदिया, सब में अभी सभी मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र, सभी मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र वर्तमान में जहाँ जो खड़ा है, और कौन सा जिला क्षेत्र है ये, मैंने समस्तीपुर जिला क्षेत्र है। तो यहाँ क्या दिक्कत था, पानी क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ पर पुल पहले से बनना शुरू हुआ था, उसके लिए डायवर्सन बना हुआ था। ठीक है, डायवर्सन बना था, तब मैंने की उसमें एक सिंगल एक पुल डाला गया था, पाइप डाला गया था लोहा वाला, ठीक है, सीमेंट वाला। उसके बाद इसमें माने उसे पानी नहीं निकल रहा था, और लगभग पानी अभी भी नाजिरपुर के तरफ से गाय घाट की तरफ पानी आ ही रही है, जिसके कारण लगभग 200,000 एकड़ धान में पानी पक के माने कि सब उस पानी में गिर रहे हैं। उसके बाद समस्या ये हो रही है कि आगे भी फसल होने की संभावना नहीं लग रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जब जानकारी हुई तो हम लोग दो चार आदमी गांव पंचायत से आए, यहाँ के लोग को कहे कि हमको पानी निकलने का रास्ता दीजिए, तो माने कि यहाँ के लोग नहीं नहीं, नहीं काटने दिए, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद प्रशासन से मदद लिए, तो प्रशासन हमारे से माने कल्याणपुर सीओ साहब आए, और उसके बाद माने कि वो आए तो फिर जो पुल विभाग है उनको कॉल किए, तो वो एसटीओ साहब भी आए, तो उनके पहल के बाद आज बामा इसमें जला रहा है, जिससे जल निकासी हो पाए। तो अभी जल निकासी के लिए क्या किया जाएगा? हाँ, जल निकासी के लिए क्या किया जा रहा है, मशीन चलाया जा रहा है, मशीन चला के उसे सीमेंट वाला पाइप डाला जा रहा है, जो पानी निकासी हो सके, तो आवागमन बाधित न हो जाए, आवागमन चालू रहेगा। हाँ, हाँ। दोनों जिला क्षेत्र के लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, अभी सहयोग कर रहे हैं, पहले भी दिन से पहले कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, न ही हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि है, वर्तमान में मुखिया जीतल है, लेकिन कोई इस पर कोई किसी का कोई पहल नहीं। हम लोग आपस में 10 लोग समाज के मिलकर इसको खुलवा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के जो इलाका है, धान का फसल प्रभावित होगा इससे, अगर जल निकासी नहीं होगी तो? प्रभावित नहीं, प्रभावित हो चुका है, लगभग 200 बर्बाद हो गया, लगभग 200,000 एकड़ बर्बाद की तरफ चला गया। इसकी समस्या है कि अगला रबी फसल भी नहीं होगा समय, उसमें भूखे किसान मर जाएंगे। तो आप लोगों ने शिकायत किया, लेकिन वर्तमान में जो प्रतिनिधि, उन लोगों का क्या रोल है? वर्तमान में मुखिया कोई प्रतिनिधि माने कोई रोल है, कभी उनको पता भी नहीं है, कभी आते भी नहीं है, उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपना होटल खोलने से मतलब है खाली। तो मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, उन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है क्या? हाँ, मुजफ्फरपुर सहयोग, समाज का सहयोग मिला है, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। समस्तीपुर के जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन, समस्तीपुर के अधिकारी, उनका सहयोग मिला है, और अंत में पुल वाले माने की जो पुल वाले के एसडीओ है, पुल विभाग के, वो आए, वो समस्या का निदान किए, यही पहले कर देते तो नहीं होता, हम लोग का जल निकल चुका होता। क्या दिक्कत हो रहा है फसल में? बहुत दिक्कत है, धान पूरा जो पक के पूरा गिर गया है, जन्म रहा था। तो आज से जल निकासी की व्यवस्था हो गई है, तो कितना दिन में लगता है कि पानी निकल जाएगा? कितना इलाका प्रभावित हो रहा है? इस बंदरा प्रखंड के जो 6 पंचायत, लगभग हम लोग आकलन किए हैं, 6 पंचायत इससे किसान के क्षतिग्रस्त है, आने वाला फसल भी नहीं हो सकता। यही काम आज हो रहा है, यही काम 10 दिन पहले होता था, अति सुंदर होता, किसानों के लिए खुशहाली आता, मगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पंचायत के मुखिया है, भगौरा मुखिया है, वो पंचायत छोड़ के भागे रहते हैं दूसरे पंचायत में, आज तक ये घूम के नहीं देखने आया है कि हमारे किसान, हमारे जनता के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए। फिर भी यहाँ के समाज ने, हमारे ही मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के समाजों ने मिल के यहाँ जो काम किए हैं, एसडीओ साहब के हम लोग आवेदन लिखित दिए, और सीओ साहब का समस्तीपुर, वह उस पर पहल होके आज सीमेंट वाला ये खम्भा पुल लग रहा है, इससे हमारा पानी तेजी से निकासी होगा, इससे हम लोगों किसानों को राहत मिलेगा। यहाँ जो व्यवस्था किया गया वो सही है? सही, कोई दिक्कत तो नहीं होगा लोगों को? तो जल निकासी पहले होना चाहिए था, यही काम पहले होना चाहिए। कौन कौन फसल प्रभावित हो रहा है उधर के इलाके में? अभी तो धान लगा हुआ है सर,
और यहाँ के लोगों को क्या दिक्कत हो रहा था? आवागमन में यहाँ पर से खाली एक गांव का बात नहीं है, यहाँ समझिए तो 5 गांव का यही रास्ता है आना जाना। तो वही आवागमन के लिए पहले लोग करते बांध काट देंगे चचरी का पुल से चल जाएगा काम, तो हर चीज तो फिर चचरी के पुल से संभव नहीं है। नहीं, उसके लिए हम लोग बिचारे जो अगर काटना है तो पाइप मंगवा देते हैं, मंगवाइए आप लोग। तो वही बात हुआ है SDO साहब से, तो वही विचार हुआ था, आज पाइप आया है दोपहर में, तो वही लग रहा है। तो यातायात की जो व्यवस्था है उसको अस्थायी रूप से समस्या का समाधान करने की मांग आप लोग कर रहे थे जी, इसीलिए रोके हुए थे जी। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब आवागमन में कोई दिक्कत नहीं, अब जल निकासी भी होगा जी, अब इसके अलावा तो कहीं अवरोध नहीं है? नहीं, अब कोई नहीं। सबसे पहला नंबर, पानी का निकासी हो रही है? नहीं, पानी का निकासी हो रही है, ठीक है, दोबारा पाइप चल रहा है, है। लेकिन नदी कहाँ पर है इस चीज पर उस दिन आए थे, कल या परसों ऐसे आए हुए थे CO साहब, तो CO साहब से हमसे यही मांग है जी, जहाँ पे नदी है जी, उस नदी को ही देखिए कहाँ पे नदी है। अच्छा, ये नदी में नहीं खोदा जा रहा जी? नहीं, नदी नहीं है। तो अभी तत्काल पानी निकलने का व्यवस्था किया गया? व्यवस्था किया नहीं, शुरू से ही किया गया है। अच्छा, अभी नहीं, शुरू से ही। मेन तो क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोग जी? हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग उधर जो है सारी जमीन में ही नदी बह रहा है। अच्छा जी, ठीक है, जहाँ पे जो मेन नदी है उस चीज को खोजा नहीं जा रहा है। मेन नदी होने का मतलब तो नदी में खुदाई होना चाहिए, वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था। हाँ, जल निकासी कहाँ से होना चाहिए? नदी से ही होना चाहिए। तत्काल पानी को बहाया जा रहा है, अपने जमीन से हम बहा रहे हैं, प्राइवेट जमीन से? जी जी, प्राइवेट जमीन ही है। तो जैसा कि भाई साहब का कहना है कि यह जो खुदाई चल रहा है वो नदी में नहीं हो रहा है, किसी खास जमीन में हो रहा है, जो कल्याणपुर के अंचल अधिकारी है उनसे मांग की जा रही है कि इसकी स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो। उस चीज को आप देखिए ना, नदी को आप खोजिए, ठीक है। यहाँ के सामाजिक लोग से भी कहना, जो नदी को जो घेर के जो मछली मारे काम करते हैं, पानी लगा दे, पानी अवरुद्ध हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो जैसा ही कह रहे हैं कि प्राइवेट मिट्टी खाना जा रहा है, कहाँ प्राइवेट खाना जा रहा है? नदी में नहीं खाना जा रहा है, कहाँ, कहीं प्राइवेट नहीं है, ये नदी प्राइवेट है, नदी तो प्राइवेट नहीं है, आज से तो नहीं है। एक मिनट सर, इस नदी में क्या छन्नी लगा हुआ है? क्या छन्नी लगा हुआ है? अब उस छन्नी में उसमें लगा हुआ पन्नी, जितना जमीन देख रहे हैं यहाँ पे आगे से CO से मांग किए हैं कि नदी बह रहा है, कौन मांग करे, जो ऊपर है हमर है, पानी बह रहा है, नदी में कटाव हो चुका है आपका, कटाव घर भी काट लिया है, पंडाल के लिए मांग किए थे, चलिएगा मेरे साथ। तो यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कन्नौजर से सीधे हम दिखा रहे हैं, कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र का यह बात है, समस्तीपुर जिला क्षेत्र का यह हम कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि पिछले दिनों नदी में कटाव हो गया था और उनका प्राइवेट जमीन जो है सो नदी में आ गया था, कल्याणपुर के जो अंचल अधिकारी हैं इसको खोजना चाहिए और अस्थायी रूप से इसका समाधान होना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र में बागमती नदी का जो पानी पिछले दिनों बह के गया था, विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1000 से ज्यादा एकड़ में यह जो है सो जलजमाव लगा हुआ है, धान की फसलें बर्बाद हो रही है, त्राहिमाम की स्थिति है। लिहाजा मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र के लोग जल निकासी की मांग कर रहे हैं और समस्तीपुर जिला क्षेत्र के लोग यह मांग कर रहे हैं कि जल निकासी की व्यवस्था से उनको एतराज नहीं है, लेकिन यातायात की व्यवस्था प्रभावित नहीं हो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और इसका स्थायी रूप से निदान होना चाहिए। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, समस्तीपुर बिहार।